इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स के बारे में। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें किसी भी नाउन यानी शख्स, चीज़ या जगह के बारे में बताते तो हैं, मगर उनको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ डेड। अब डेड के लफ्ज़ से हमें किसी चीज़ की हालत का पता तो चलता है कि वो मुर्दा है, मगर हम किसी चीज़ को लेस डेड या मोर डेड नहीं कह सकते। आम तौर पर जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की, तो ज़्यादातर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ बड़ी है तो हम उसके लिए बिग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, उससे बड़ी हो तो उसके लिए बिगर, और जो चीज़ सबसे बड़ी होती है उसके लिए बिगेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह छोटी चीज़ के लिए स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। तो ये हैं एडजेक्टिव की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। मगर जब हम बात करें एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स की, तो ये बात याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स की कोई डिग्री नहीं होती। एब्सोल्यूट का अपना मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट। इसको मुकम्मल करने के लिए किसी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी बात की लफ्ज़ डेड के बारे में, कोई शख्स अगर डेड है यानी मर चुका है, तो क्या हम किसी मुर्दा चीज़ के बारे में ये कह सकते हैं कि वो कम डेड है या ज़्यादा डेड है? या फिर जैसे लफ्ज़ बिग की ये डिग्रीज थी, तो क्या हम लफ्ज़ डेड की डिग्रीज बना सकते हैं, डेडर और डेडेस्ट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लफ्ज़ डेड जो हमें हालत बता रहा है उसको ना बदला जा सकता है ना ही कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो डेड है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। इसी तरह अगर हम बात करें लफ्ज़ कंप्लीट की, कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल। कोई चीज़ अगर पूरी तरह से मुकम्मल ना हो तो उसके लिए लेस कंप्लीट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। इसी तरह कंप्लीट के साथ वेरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और ना ही इस लफ्ज़ की कोई डिग्रीज होंगी। तो ऐसे अल्फाज जो कि किसी चीज़ की हालत के बारे में बताते तो हैं लेकिन उनको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता और ना ही उनकी कोई डिग्रीज होती हैं, तो ऐसे अल्फाज को एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहा जाता है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स की कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूनिक, यूनिक का मतलब होता है मुनफरिद, सबसे अलग, जिसके जैसा और कोई नहीं होता। तो जो चीज़ सबसे मुनफरिद होगी, सबसे अलग होगी, इकलौती होगी, लेस, मोर या फिर वेरी जैसे अल्फाज या फिर डिग्रीज लगाकर इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिक का लफ्ज़ इस्तेमाल ही ऐसी चीज़ के लिए होता है जो कि सबसे निराली, सबसे अलग, सबसे मुनफरिद होती है। तो यूनिक एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर हम बात करें शेप्स की, जैसे कि राउंड, कोई चीज़ गोल है तो सिर्फ उसी के लिए राउंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 3 बॉल्स हैं और आप उनकी कंडीशन, उनकी हालत बताने के लिए इस तरह से कहते हैं कि दिस बॉल इज़ राउंड, दिस बॉल इज़ राउंडर एंड दिस बॉल इज़ राउंडेस्ट, यानी ये बॉल गोल है, ये बॉल उससे ज़्यादा गोल है, और या ये बॉल सबसे ज़्यादा गोल है, तो क्या ये कहना ठीक होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चीज़ गोल होगी उसको राउंड ही कहेंगे, इसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। जो चीज़ गोल है वो राउंड है, जो चीज़ गोल नहीं है उसको राउंड नहीं कह सकते। इसी तरह अगला लफ्ज़ है परफेक्ट। परफेक्ट कहते हैं किसी ऐसी चीज़ या किसी ऐसे शख्स को जिसमें कोई खामी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, वो पूरी तरह से मुकम्मल और बेहतरीन होता है। अब लफ्ज़ परफेक्ट की भी डिग्रीज़ नहीं बनाई जा सकती, यानी परफेक्टर, परफेक्टेस्ट या फिर मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, वेरी परफेक्ट, लेस परफेक्ट के अल्फाज भी परफेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि परफेक्ट से अगर कुछ कम होगा, कोई कमी होगी, तो उसको परफेक्ट नहीं कहेंगे, उसको इम्परफेक्ट कहते हैं, और परफेक्ट से ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो परफेक्ट भी एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इसी हालत में एग्जिस्ट करता है, इसको कम या ज़्यादा नहीं करते। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड भी है एम्प्टी, यानी खाली। कोई चीज़ खाली है तो वो खाली होती है, कम खाली या ज़्यादा खाली नहीं कह सकते। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 3 ग्लास हैं, एक ग्लास को मैं इतना फिल कर देती हूँ, दूसरे ग्लास को थोड़ा कम, और एक ग्लास जो है वो बिल्कुल खाली है।
तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस क्लास इज़ एम्प्टी, दिस क्लास इज़ एम्प्टियर एंड दिस क्लास इज़ एम्प्टीएस्ट, यानी ये जो क्लास है ये खाली है, ये क्लास जो है वो उससे ज़्यादा खाली है और ये क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा खाली है? बिल्कुल नहीं। इन तीनों ग्लासेस में से एम्प्टी सिर्फ ये वाला ग्लास है जो कि पूरी तरह से खाली है। अगर किसी ग्लास को आप थोड़ा सा भी फिल कर देते हैं तो उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये अब एम्प्टियर है या एम्प्टीएस्ट है, या ये थोड़ा कम एम्प्टी है या ज़्यादा एम्प्टी है। तो वर्ड एम्प्टी भी इसी तरह से एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है जिसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। और इस वर्ड डेड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मुर्दा चीज़ के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज़ कम मुर्दा या ज़्यादा मुर्दा नहीं होती और ना ही इस वर्ड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। तो ये तमाम वर्ड जो हैं वो वर्ड्स जो हैं ये एग्जांपल्स हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स की। अब हम इन वर्ड्स को वन बाय वन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है यूनिक। जैसा कि मैंने आपको पहले मतलब बताया कि यूनिक का मतलब होता है कि जो सबसे अलग होता है, सबसे निराला और मुनफरद। सेंटेंस देख लेते हैं, स्टाइल ऑफ सिंगिंग इज़ क्वाइट यूनिक, यानी उसका गाना गाने का अंदाज जो है वो खासा मुनफरिद है। मुनफरिद यानी सबसे अलग। अब बात करेंगे राउंड की। राउंड का मतलब होता है गोल। दे हैंग द राउंड मिरर ऑन द फ्रंट वॉल। दे हैंग द राउंड मिरर, उन्होंने गोल आईने को लटकाया ऑन द फ्रंट वॉल, सामने की दीवार पर। उन्होंने गोल आईने को सामने की दीवार पर लटकाया। अगला वर्ड है परफेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। नोबडी इज़ परफेक्ट यानी कि कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, हर कोई गलतियां करता है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हम में से कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं है, हर किसी से गलतियां हो जाती हैं। अगला लफ्ज़ है एम्प्टी। शी वॉज होल्डिंग एन एम्प्टी ग्लास इन हर हैंड। शी वॉज होल्डिंग, उसने पकड़ा हुआ था एन एम्प्टी ग्लास इन हर हैंड, एक खाली ग्लास उसके हाथ में, उसने एक खाली ग्लास अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। और आखिरी लफ्ज़ है डेड। नेवर स्पीक इल ऑफ द डेड। नेवर स्पीक इल यानी कि कभी भी बुराई ना करो। इल का वैसे तो मतलब होता है बीमार, लेकिन चूंकि इल को स्पीक के साथ इस्तेमाल किया गया है तो जुमले के लिहाज से यहाँ स्पीक इल का मतलब हो जाएगा कि बुराई करना। ऑफ द डेड, मुर्दे की। नेवर स्पीक इल ऑफ द डेड, कभी भी मुर्दे की बुराई ना करो। तो ये थी कुछ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स और सेंटेंसेस। तो इस वीडियो के ज़रिए हमने जाना कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हमें किसी नाउन की हालत के बारे में तो बताते हैं, लेकिन उनको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता और ना ही उनकी कोई डिग्रीज़ होती हैं। तो इस बारे में मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।